सो गाइस मेरे पास भी आ चुका है Redmi का Note 7S और आज इस वीडियो के अंदर हम इसका करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। आपको इस वीडियो में मैं कुछ इमेज शॉट्स भी दिखा दूंगा। सो गाइस मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं इन्फोटेक इंडिया। वीडियो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। सो गाइस आप देख सकते हो किस तरह से पैकेजिंग आपको करके मिलता है। ये आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ डिटेलिंग्स दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। तो ये जो वेरिएंट है ये रूबी रेड है और ये 3GB 32GB वाला है। तो इस बार जो सेल थी वो 3GB 32 की थी, 4GB 64 की नहीं थी, इसलिए हो सकता है कि ये बहुत आसानी से मिल गया। इस बॉक्स में आपको पता ही है कि ये सब मिलेंगे, क्विक स्टार्ट गाइड ये सब तो मिलता ही है। उसके बाद आपको ये जो केस मिलता है इसमें सेम केस जैसा आपको सभी रेडमी के फ़ोन में भी मिल रहा है, नोट 7 में मिलता है, नोट 7S, नोट 7 प्रो सब में है। सो गाइज ये है मेन यूनिट, तो इसे हम यहीं पे रखते हैं बगल में और अंदर देखते हैं। अंदर तो हमें पता है कि क्या मिलेगा। ये स्लो चार्जर, इनका सबसे बड़ा दिक्कत यही है, कितने ही पैसे दे दो ये कभी फास्ट चार्जर देंगे ही नहीं। तो ये चार्जर और एक USB-C टाइप केबल, क्वालिटी ठीक है बट आपको इसमें फास्ट चार्जर नहीं मिलता, तो ये एक दिक्कत है रेडमी के साथ। चलिए ये सब को साइड में रख देते हैं और आते हैं फ़ोन पे। इस स्टिकर को निकाल देता हूँ मैं और अब इस तरह से हमने निकाल दिया स्टिकर और एक अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है मेड इन इंडिया, बट एक्चुअली ये मेड इन इंडिया नहीं है, इंडिया के अंदर असेंबली करते हैं ये लोग। बट ये जो कलर है बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, रूबी रेड बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। कैमरा का जो बम्प है काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है और यहाँ सामने की तरफ दिया आपको Redmi Note 7S। जो हाईलाइटेड फीचर है इस फ़ोन के वो भी दिए हुए हैं, इसको भी हम निकाल देते हैं यहाँ से, इस तरह से निकाल दिया और ये एकदम शाइन कर रहा है। इसको हम पहली बार बूट करते हैं, प्रेस करते हैं पावर बटन को और ये स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको इसका केस दिखा देता हूँ, केस इस तरह का है, काफ़ी बढ़िया तरीके से फिट हुआ है भैया। देखिए लिखा है Redmi Note 7S। सो गाइस मेरे पास Redmi का Note 7 भी है, मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसका एक बार ये निकाल देता हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ दोनों पीछे से कैसे दिखते हैं कलर वाइज। क्योंकि इसका जो Redmi Note 7S है उसका एक ब्लू कलर वेरिएंट भी आएगा, तो वो कैसा दिखेगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये देख सकते हो दोस्तों किस तरह का कलर आपको यहाँ मिलता है, ब्लू और ये है रेड, रूबी रेड है, ये ब्लू कलर है। तो काफ़ी आप देख सकते हो कि शाइन काफ़ी कर रहा है। ओह मैंने कुछ प्रेस कर दिया क्या, ओके। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह की स्क्रीन आई हुई है MIUI 10। इसका हम ओके करते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसको सीधा मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ इसको। अभी आप देख सकते हो दोस्तों जो स्क्रीन सेट पासवर्ड का आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट पर प्रेस करता हूँ और अभी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो पहले कोई पैटर्न सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके यहाँ पे आने दीजिए पहले, चलिए गॉट इट हो गया। और हम कुछ ऐसा कुछ पासवर्ड बनाते हैं, एक बार और कर लेता हूँ मैं, चलिए। और यहाँ पे कंफर्म, और अब यहाँ पे बोलेगा फिंगरप्रिंट रखने। देखिए हो रहा है, कितना जल्दी होता है देखते हैं एक बार। चलिए सेटअप हो गया, स्क्रीन लॉक इसको ओके कर दिए। सो गाइस सेटअप कंप्लीट हो चुका है इस फ़ोन का और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अभी कौन सा MIUI वर्जन रन हो रहा है। सेटिंग में जाना है, अबाउट फ़ोन, तो अभी आपको यहाँ पे लेटेस्ट MIUI 10.3 देखने को मिल रहा है। और अभी इसमें आपको देख सकते हो जो रैम है 3GB है, और अभी एकदम फर्स्ट बूट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 21GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है 32GB में। इसको हम ये देखिए पाए, इसको बैक हो गए हम। और अब इसमें देखिए रख सकते हैं कि ज़्यादा ब्लोटवेयर भी आपको नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है जैसे कि आपको मी की ऐप्स मिल रही है, शेयर चैट ये एक ब्लोटवेयर है और ये कुछ है शायद, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद, ये अपडेटेड वर्जन नहीं रहता है, लेकिन ये कुछ ब्लोटवेयर से आपको मिल जाता है देखने में के लिए। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको कुछ कैमरा के सैम्पल शॉट दिखा देता हूँ,
ये कुछ कैमरा का यहाँ पे देख सकते, इसे अलाउ कर देता हूँ सब चीज़। आई नो दिस इज़ AI कैमरा। और भाई स्टार्ट हो जा। ओके, तो ये स्लाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट हो गया कैमरा। और इसके 48 मेगापिक्सल आपको किधर मिल रहा है, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। देखो प्रो मोड में आप जाओगे तो यहाँ ऊपर में आपको 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सो गाइस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। इसके बाद वाले जो वीडियो आएगी ना, इसमें मैं कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ इस Redmi Note 7S के साथ Redmi Note 7 का। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट भी ज़रूर करना। तो गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।